लगातार दौरे कर रहे हैं और रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं प्रदेश में। अभी तक कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से दौरे नहीं किए हैं। देखिए, दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि उत्तर प्रदेश को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश को एक अनिवासी मुख्यमंत्री मिला है जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दूसरे राज्यों में रहता है। दूसरा, दौरों को लेकर जो बात हो रही है, आप देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री जी धड़ाधड़ दौड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था किस तरीके से बदतर हालत में है, हमारी बहनों के साथ किस तरीके से बलात्कार हो रहा है, नौजवानों को सड़कों पर रोजगार मांगने पर लाठियों से पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में अकेले 100 दिन से ज़्यादा रात्रि विश्राम कर चुके हैं। आप देखिए, गोरखपुर की जनता ने उनको क्या परिणाम दिया, उनको हराने का काम किया। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री काम के लिए चुना जाता है, दौड़ों के लिए नहीं। ये दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी काम को महत्व न देकर सिर्फ दौरे में विश्वास रखते हैं। मनीष जी, योगी जी लगातार दौरे कर रहे हैं, दौरे का रिकॉर्ड बनता जा रहा है उनका, और इस दौरे को आप किस प्रकार से ले रहे हैं? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए रात दिन एक करके उत्तर प्रदेश के कोने कोने जा रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतने कम समय में उत्तर प्रदेश के 75 सभी जिलों में जा चुके हैं और कुछ जिलों में कई बार जा चुके हैं। नोएडा जैसा जिला जहां इंजीनियर पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और जिनका घर स्वयं नोएडा में है, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रहते जाने का साहस अंधविश्वास के नाते नहीं कर पा रही थी, लेकिन विश्वास विकास जिनका लक्ष्य है, ऐसे योगी आदित्यनाथ वहाँ भी कई बार जा चुके विकास के कार्यों के लिए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के लगातार दौरों के नाते, स्वयं ग्राउंड रिपोर्ट की निगरानी करने के नाते से आज उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका में है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना में आज उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान में है। दुग्ध उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। चीनी उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्रियाशीलता का ही परिणाम है कि बीमारू राज्य की श्रेणी में जा रहा उत्तर प्रदेश आज विकास की तरफ तेज गति।